नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है म्यूजिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सभी तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का जिनके प्यार की बदौलत ये चैनल चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहेगा। आज की वीडियो का थंबनेल आपने देखा है, किसी भी स्वर से अपनी सरगम कैसे बजाएं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत यूजफुल है, जिससे आप किसी भी सरगम को किसी भी स्वर से बजा सकते हैं, यानी किसी भी पिच से बजा सकते हैं। उससे आपको और भी फायदा मिलेगा कि आप कोई भी सरगम को कहीं भी रियाज कर सकते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इन स्वरों के ऊपर आपको सरगम बजाने के लिए आपको उन स्वरों को कोई ना कोई नंबर जरूर देना है, यानी उनकी नंबरिंग करनी है। जैसे सा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सा को नंबर 1 लिखा, रे को नंबर 3, गा को 5, मा को 6, पा को 8, धा को 10 और नी को 12 और लास्ट पे सा। दोस्तों इन नंबर्स के अकॉर्डिंग ही हम स्वरों के ऊपर सरगम्स को बजाएंगे। दोस्तों ये है फोर्थ ब्लैक, यहाँ से हम नंबरिंग काउंट करनी शुरू करेंगे। 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 सा, और इसी तरह से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसको बजाना है, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 सा। और इसी तरह से हम फिफ्थ, जो हमारा ब्लैक फिफ्थ ब्लैक है, यहाँ से हम काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 सा। आई रिपीट वंस अगेन, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 सा। और इसके बाद फर्स्ट वाइट जो सी नोट है, यहां से हम काउंटिंग करनी शुरू करेंगे, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 सा, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 सा। और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ब्लैक है, यहां से हम 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 सा, इसको रिपीट करेंगे, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 सा। तो इसी तरह से हमारे पास फोर्थ ब्लैक से नंबरिंग है, फिफ्थ ब्लैक से नंबरिंग है, फर्स्ट व्हाइट से है, फर्स्ट ब्लैक से है। आप हारमोनियम पे, कीबोर्ड पे किसी भी स्वर के ऊपर ये काउंटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक मैं यहां से इस स्वर से इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं या इस स्वर से बजाना चाहता हूं, तो इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड को छोड़ना है थर्ड, फर्स्ट थर्ड, और उसके बाद फोर्थ को छोड़ना है फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, और इसी तरह से आप 12 तक काउंटिंग करेंगे, जैसे मैंने बाकी स्वर के ऊपर करा है। इसी तरह से आप काउंटिंग करते जाएं और आपकी सरगम अपने आप क्रिएट होती रहेगी। पूरे के पूरे हारमोनियम या कीबोर्ड के ऊपर आप कहीं से भी सरगम बजा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस आपको स्वरों की काउंटिंग याद होनी चाहिए या उन स्वरों की जो ट्यूनिंग आपको याद होनी चाहिए। आज हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग बजा रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आप इसको करेंगे तो आपके दिमाग में एक स्वरों की ट्यूनिंग आ जाएगी, फिर आपको नंबरिंग याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे ही बिना किसी नंबरिंग के आप इसको बजा पाएंगे। मैं आपको फोर्थ ब्लैक, फिफ्थ ब्लैक, फर्स्ट व्हाइट और फर्स्ट ब्लैक से आज स्लो स्पीड में, मीडियम स्पीड में और फास्ट स्पीड में सरगम बजा के दिखाऊंगा, और इसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फोर्थ ब्लैक से बजा रहा हूं,
अब मैं बजाऊंगा फिफ्थ ब्लैक से, फर्स्ट वाइट, फर्स्ट ब्लैक से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। शुक्रिया।